दोस्तों, 20वीं शताब्दी में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गईं और आज हम लोग उन्हीं में से बहुत इम्पोर्टेंट लड़ाइयों के बारे में जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं रैपिड जी के। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो उसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण जंग लड़ी गई थी वो था रूसो जापानीज वॉर, जो कि रशिया और जापान के बीच में लड़ा गया था। ये जंग 1904 से लेकर 1905 के बीच में लड़ा गया था। इस वॉर को लड़ने का सबसे मेन रीजन था वो था मंचूरिया और कोरिया पर अपना अधिकार जमाना। इस युद्ध में जापान जैसे छोटे देश ने रशिया जैसे उतने बड़े देश को हरा दिया और इसके बाद रशिया सबसे पहला यूरोपियन देश बन गया जो कि एक एशियन यानी कि एशियाई विरोधी से हारा हो। दोस्तों, इस वॉर का बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा रशिया पे। अगर आप सभी जानना चाहते हैं इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा रशिया पे, तो आपको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यही वॉर बना ब्लडी संडे यानी कि 1905 रेवोल्यूशन का सबसे मेन कारण। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई उसको पूरी दुनिया नहीं भूल सकती और वो था वर्ल्ड वॉर वन यानी कि द ग्रेट वॉर। और यह विश्व महायुद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक लड़ा गया। इस युद्ध के होने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक जो सबसे इंटरमीडिएट कॉज, जो सबसे मेन कारण बन जाता है वो है मर्डर ऑफ द ऑस्ट्रियन प्रिंस फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस था उसका मर्डर कर दिया गया था सर्बिया के रिवोल्यूशनरीज यानी कि आंदोलनकारियों के द्वारा। अपने प्रिंस को मरते देख ऑस्ट्रिया वाले गुस्से में आकर सर्बिया पर हमला कर देते हैं। और फिर सर्बिया पर हमला होते देख उसका दोस्त रूस आगे आता है और उसकी मदद के लिए। और फिर रूस को आते देख जर्मनी यानी कि ऑस्ट्रिया का दोस्त आगे आ जाता है और फिर यही आगे चलकर वर्ल्ड वॉर वन का रूप ले लेता है। अभी हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर वन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि लगभग 13 फरवरी तक आ जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसका रीजंस क्या था, आउटकम्स क्या आया, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसका पूरा जानकारी आपको उस वीडियो में मिलने वाला है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिस कर रहे हैं। इस विश्व महायुद्ध ने पूरे विश्व को दो ग्रुप्स यानी कि दो समूह में डिवाइड कर दिया। एक था सेंट्रल पावर और दूसरा था ट्रिपल एंटिटी यानी कि अलाइज। तो सेंट्रल पावर्स की ओर से थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर, ये तीन बड़े दिग्गज थे इस तरफ। और दूसरी तरफ यानी कि ट्रिपल एंटीट यानी कि अलाइज की ओर से थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली और लास्ट में यूएस ने उन्हें ज्वाइन किया। फिर जाकर युद्ध समाप्त हो गया। तो यह युद्ध फिर 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो जाता है और फिर 28 नवंबर को ट्रीटी ऑफ वर्सेलेज हो जाता है, जिसमें जर्मनी को अपना बहुत बड़ा हिस्सा अलाइज को दान करना पड़ता है यानी कंपनसेशन के रूप में पे करना पड़ता। और दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन का यही ट्रीटी ऑफ वर्सेलेज हमारा कारण बना वर्ल्ड वॉर टू का, जिसे आज तक दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी, क्योंकि उसका भी रूप बहुत ही विनाशकारी था और उसने दुनिया को बहुत ही क्षति पहुंचाई थी। और दोस्तों, ये हमारा वॉर हुआ था 1939 यानी कि 1939 से लेकर 1945 यानी कि 1945 तक। और यह वर्ल्ड वॉर टू को स्टार्ट करने वाला का नाम आपको तो पता ही होगा, उसका नाम था जर्मनी का डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर। और ये वॉर किस लिए स्टार्ट हुआ उसका रीजन भी आपको मैं दूंगा। तो इसका रीजन एक सिंपल सा यही है कि जर्मनी और रशिया के बीच में पहले संधि था यानी ट्रीटी था कि वो जर्मनी रशिया पर अटैक नहीं करेगा और रशिया जो है जर्मनी पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी ने अपना वादा नहीं निभाया और उसने रशिया पर अटैक कर दिया और इसी के साथ इसने वर्ल्ड वॉर टू का रूप धारण कर लिया आगे चलकर। और बहुत सारे कंट्रीज मिलते गए, चलिए उनका नाम जानते हैं वो कौन कौन से कंट्रीज थे। तो इस वर्ल्ड वॉर टू में भी वही दो ग्रुप थे, एक तरफ था अलाइज ग्रुप और एक तरफ था सेंट्रल पावर के जगह उसका नाम हो गया अब एक्सिस ग्रुप। तो अलाइज ग्रुप में था रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और लास्ट में उसे यूएस ने ज्वाइन कर लिया था। और इस बार ऑस्ट्रिया एक्सिस की तरफ यानी सेंट्रल पावर की तरफ नहीं था, वो था इस बार अलाइज की तरफ, उसने अपना पार्टी इस बार चेंज कर लिया था। और एक्सिस की तरफ वही था जर्मनी, इटली और जापान, जो इस बार पिछले बार अलाइज में थे जर्मनी, इटली और जापान। और पिछले वर्ल्ड वॉर की तरह भी इस वर्ल्ड वॉर में भी भारत की सेना ने बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर वो नहीं रहते तो ना ही अलाइज
वर्ल्ड वॉर वन जीत पाते ना ही वर्ल्ड वॉर टू। और इस वर्ल्ड वॉर टू की समाप्ति कैसे हुई वो तो आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इस वॉर की समाप्ति हुई थी एटम बॉम्ब गिराने से। वो कहाँ गिराया गया था? वो गिराया गया था जापान में, क्योंकि उस समय जापान अपना पूरा एक्सटेंशन एरिया बढ़ाया जा रहा था ईस्ट एशिया में, तो इसलिए वहाँ पे अमेरिका ने उसे रोकने के लिए उसके ऊपर दो एटम बम गिरा दिए। एक गिराया था 6 अगस्त को हिरोशिमा में और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त को नागासाकी में। और इस बॉम्ब की वजह से पूरे जापान में मातम छा गया और इस बॉम्ब की इंटेंसिटी इतनी थी कि उसका असर अभी भी जापान में है। अभी भी जापान में बिना पैर के, बिना हाथ के, फिर बिना किसी अंग के लोग पैदा होते हैं अभी भी। तो आप सोच सकते हैं कि जापान में उस समय कितना तहलका मचा होगा, लेकिन तब भी इसके बावजूद भी जापान आज बहुत ही विकसित है। क्यों? क्योंकि उसने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया। वैसे अभी हम लोग आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाने वाले, हम लोग फिर से अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। और जो हमारा अगला वॉर है वो है सिनो जापानीज वॉर, और यह वॉर लड़ा गया था जापान और चाइना के बीच में, और ये वर्ल्ड वॉर टू के अंतराल यानी कि उसके अंदर ही लड़ा गया था। ये इसका टाइमलाइन था 1937 यानी कि 1937 से लेकर 1945 यानी कि 1945 तक। और यह युद्ध होने का कारण था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, कि जापान उस समय अपना लैंड एक्सटेंड कर रहा था यानी कि पूरा बढ़ा रहा था, सबको कब्जा किया जा रहा था और बढ़ा रहा था, तो वो साउथ चाइना सी में भी अपना लैंड एक्सटेंड कर रहा था। तो उसी के विरोध में चाइना, जो कि साउथ चाइना सी को अपना मानता है लेकिन है नहीं, उसका जबरदस्ती कब्जा करके रखा है, तो उसी के लिए वो उस पर विरोध करने लगा और उसने फिर जंग छेड़ दी। इस युद्ध का कंक्लूजन ये था कि जापान इसमें जीत गया और फिर उसने आगे अपना लैंड एक्सटेंड करना छोड़ दिया। और दोस्तों जो आज का हमारा आखिरी वॉर है वो है अरब इजरायली वॉर। ये आज का हमारा आखिरी वॉर इसलिए क्योंकि ये वीडियो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ये इसका पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी बहुत जल्द आएगा, उसमें मैं आपको 6 वॉर्स के बारे में बताऊंगा, और ये अभी नहीं आएगा, कुछ दिनों के बाद ही आएगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अरब इजरायली वॉर जो कि 1948 से लेकर 1949, 1956, 1967 यानी कि 1967, 1973 से लेकर 1974 के बीच में लड़ा गया था। तो इतने सारे वॉर्स इसलिए हुए क्योंकि इजराइल जो है उसी समय नया नया देश आया था, यानी कि वो 14 मई 1948 को ही वो देश जो है बना था, और वो जर्मनी से अलग होके बना था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इजराइल जो देश है वो ज्यूज कम्युनिटी यानी कि यहूदी कम्युनिटी का एक देश है, और आप जैसे कि जानते ही होंगे कि जर्मनी इन ज्यूज और यहूदियों पर बहुत ही अत्याचार करता था, उन्हें गैस चैम्बर्स में डालकर मार दिया जाता था। और ये यहूदी चाहते थे कि उनका भी कोई अलग राष्ट्र हो, तो उन्होंने अपने अंदर नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की भावना जगाई और फिर उन्होंने अपना खुद का एक देश बनाया। और मैं आपको जानकर इतनी खुशी होगी कि जितने भी वॉर्स लड़े गए उसमें सारे के सारे वॉर इजराइल जीता। मेरे ख्याल से हम सभी को इजराइल से सबक लेना चाहिए कि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो, न कि जातिवाद की, क्योंकि जातिवाद एक देश को अंदर से खोखला कर देता है, और अगर हम राष्ट्रवादी होंगे तभी हमारा देश आगे पहुंचेगा, क्योंकि अभी हम देख ही रहे हैं इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे पहुंच चुका है हम सभी से। और आप ये भी जानते ही होंगे कि वो इंडिया जो है वो इजराइल का कितना सारा मॉडर्न कॉम्बैट इक्विपमेंट्स यूज़ करता है, यानी कि गन्स और भी बहुत सारे चीज़, गन्स, ड्रोन्स और बहुत सारी चीज़ इंडिया खुद यूज़ करता है इजराइल का। दोस्तों इजराइल के बच्चे बच्चे को, हर एक सिटीज़न को ये आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जब भी वहाँ पे कोई ऐसी कोई स्थिति पैदा हो तो वहाँ पे आर्मी का इंतजार ना करे, मिलिट्री का इंतजार ना करे, वहाँ के सिटीज़न खुद ही उस चैलेंज को हैंडल कर लें। तो दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ भी सीख मिला होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, पूरा फैला दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।